Chandur. So watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. Hello everyone, welcome back again. तो स्टैंडर्ड 6 में हमने जो लेसन स्टार्ट किया प्लेइंग विद नंबर्स, इस लेसन में अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ट जो एग्जांपल्स है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमने जो पियर्सन वर्कशीट है उसमें से वर्कशीट 3.6 एडवांस, उसमें से क्वेश्चन सी के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों देखे हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो के साथ ये वर्कशीट और ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको ये वीडियो मतलब ये एग्जाम्पल समझने हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिए, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लाइक करना कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। सो वी विल सी क्वेश्चन 3 नाउ। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 48 एंड 96। मतलब एक ऐसी नंबर हमें फाइंड करनी है जिसको 24 से डिवाइड करने के बाद, 48 से डिवाइड करने के बाद और 96 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 रहता है इन ईच केस। मतलब 24 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2, 48 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 और 96 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 2। तो ये ऐसी नंबर हमें फाइंड करनी है। अब हमने इसके पहले भी देख लिया है कि एलसीएम ऐसी नंबर होती है जिसको तीनों से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और उस एलसीएम में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमें ये वाले रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे इन तीनों नंबर्स का। सो वी राइट हियर एलसीएम ऑफ 24, 48 एंड 96 इज इक्वल टू। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम इसकी डिवीजन मेथड्स का यूज करते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड। तो वो राइट साइड में हम इस तरह से दिखा देंगे। हियर आई विल राइट 24, 48 एंड हियर इज 96। तो सबसे पहले देखो 24 2 से डिविजिबल है, सो आई विल राइट हियर 2। 2 से डिवाइड करो यू गेट 12, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 2 4 8 2 8 16। That is equal to, अब फिर से इसको 2 से डिवाइड होता है, 2 लिखो 6 12 24। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड होता है, सो आई विल राइट हियर 2 2 3 6, 2 6 12 2 12 24। अब 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सो आई विल राइट हियर 3 3 1 3 3 2 6 3 4 12। अब फिर से 2 से डिवाइड करो, ये 1 एज इट इज, 2 1 2 2 2 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 1 2 1 2। अब ये जो आए हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 2 48, और 48 मल्टीप्लाई 2 होता है 96। ओके सो अब 96 तो एलसीएम हो गया, मतलब 96 ऐसी नंबर है जो 24, 48 और 96 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन हमें ये नंबर नहीं चाहिए। हमें ऐसी नंबर चाहिए जो तीनों से डिविजिबल हो लेकिन रिमाइंडर 2 रहना चाहिए। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 96, इसमें 2 ऐड करो। ओके सो यू गेट 98, सो दिस इज अवर आंसर। अब आप इसको चेक कर सकते हो, चेक कैसे करना है आपको, 98 को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो 24 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 2 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, तो 3 से नहीं होगा, 4 से करो, सो आई विल राइट हियर 4 4 4 16 6 कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 2। तो ये हमने चेक कर लिया, सो दिस इज द अवर फाइनल आंसर। व्हाट इट Now we will see next question, question number 4. Find the smallest 4-digit number which when divided by 30, 40 and 50. मतलब हमें ऐसी smallest 4-digit number find करनी है जिसको अगर 30 से, 40 से और 50 से divide करो तो remainder रहता है 10 in each case. अब ये example पिछले example जैसा ही है, लेकिन हमें यहाँ पे 4-digit number find करनी है। तो सबसे पहले तो हम पिछले एग्जांपल में जैसे किया था, इन तीनों का पहले एलसीएम फाइंड करते और एलसीएम में हम ऐड कर देंगे 10, या फिर क्या करना हो आगे अभी देखते हैं। सो फर्स्ट वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 50। सो वी विल राइट हियर
एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 50 इज इक्वल टू, इसके लिए हम फिर से कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करते हैं 30, 40 और 50। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो 30 को, तो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ 20 और यहाँ पे आ गया 25। अब 15 3 से डिविजिबल है, सो आई विल राइट हियर 3, 3 से डिवाइड करो 3 5 जा 15, 20 तो डिवाइड होता नहीं, 25 भी डिवाइड नहीं होता, जिसकी टेस्ट पहले लगती है उसको यूज करना है। फिर 5 से डिवाइड करो 1 जा 4 जा और यहाँ पे 5 जा। अब 4 में 2 की टेस्ट लगती है, सो आई विल राइट हियर 2, 1 2 और यहाँ पे 5। फिर इसमें 2 की टेस्ट लगाओ 1 1 5, फिर 5 की टेस्ट लगाओ 1 1 1। अब क्या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 और 5 भी आप स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि 4 एंड 5 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं, यानी उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, तो इसमें इसके आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। सो राइट हियर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसको आसान कर रहे, 2 5 जा 10, यहाँ 2 5 जा 10, 10 10 जा हो गया 100, 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 2 600, तो इनका एलसीएम आ गया 600। अब 600 ये ऐसी नंबर है जो 30 से डिविजिबल है, 40 से और 50 से भी डिविजिबल है, लेकिन हमें ऐसी नंबर 4 डिजिट नंबर पहले चाहिए। तो सबसे पहले तो आप 600 की 4 डिजिट नंबर कौन सी आती है वो उसके लिए आप मल्टीप्लिकेशन फाइंड करो। तो आपको क्या करना है कि 600 जो एलसीएम है उसके मल्टीपल्स भी इन तीनों से डिविजिबल होंगे। सो वी राइट हियर देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 600 आर, सबसे पहले तो 600 है, फिर है 1200 है, ठीक है, और फिर है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए थी। अब 4 डिजिट नंबर तो ये आ गई, अब इसके आगे की जो नंबर्स है वो तो उससे ग्रेटेस्ट रहेंगे, फिर कॉमा डॉट 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 दे देते हैं, तो ये हो गए हमारी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, अब ये तो 1200 भी इन तीनों से डिविजिबल है लेकिन रिमाइंडर नहीं रहेगा, सो वी राइट हियर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1200 में ऐड कर दो जितना रिमाइंडर रहता है, तो 10 ऐड किया, सो यू गेट 1210, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको चेक कर सकते हैं, सो आई विल राइट हियर, चेक करो 1210 को पहले तो हम 30 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर 00 आप कैंसिल कर दो सो यू गेट, या फिर नहीं किया तो भी चलेगा। चलो चेक कर दे, 30 4 जा करो तो 120 हो गया, रिमाइंड 1 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आप देखोगे रिमाइंडर 10 आ गया है, सो दिस इज अवर आंसर। व्हाट इट नाउ वी विल सी थर्ड क्वेश्चन मीन्स फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड, मतलब हमें एक ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करनी है जिसमें 1500 को एड किया, सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर 18 से 20 से और 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा आंसर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो है 18, 20 और 24 इनका पहले तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे और एलसीएम में 1500 को हम ऐड कर देंगे। व्हाट इट, तो चलो देखते, सो एलसीएम ऑफ 18, 20 एंड 24 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं, सो हियर आई विल राइट बाय कॉमन डिवीजन मेथड 18, 20 24, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 2 10 जा और यहाँ पे आ गए 12, फिर इसको 3 से डिवाइड होता है, सो आई विल राइट हियर 3, 3 3 जा 9, 10 एज इट इज, 3 4 जा 12, फिर इसको 3 से डिवाइड करो, 1 जा 10 एज इट इज और यहाँ पे 4 एज इट इज, अब इसको 2 से डिवाइड होता है, सो आई विल राइट हियर 2, 5 जा 2 जा, अब यहाँ पे देखो ये हो गए नॉन कॉमन, तो हम यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं, सो यू गेट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 ये हो गए कॉमन मल्टीप्लाई ये हो गए नॉन कॉमन दैट इज इक्वल टू। अब देखो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 3 जा 60, 60 3 जा 180, 180 टू जा 360, सो हियर यू विल गेट
360 LCM। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि 1500 में कौन सी नंबर ऐड करो, तो जो आंसर आएगा वो 18, 20 और 24 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1500 में अगर हम 360 ऐड करते तो आंसर कितना आता है, 1860। ठीक है, अब 1860 18 से डिविजिबल है क्या, चलो चेक करते हैं। 18 ones are 18, 0 6, 18 zeros are 0 6, तो 18 के टेबल में तो 60 आता नहीं, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें 360 हम ऐड नहीं कर सकते। इसको पहले देख लेते हैं कि 18 3 are 54 आता है, मतलब इसमें से 6 रिमाइंडर रहता है। अब जो हमारा आंसर आया था 360, उसमें से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 354। तो अगर हम इसमें 354 ऐड करेंगे तो शायद डिविजिबल हो जाए, तो 1500 प्लस 354 करो, सो यू गेट 1854। सो यहाँ हो गया 54। अब चलो डिविजन फिर से चेक करते हैं। 18 ones are 18 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा फिर 5। अब 18 zeros are 0, 5 नीचे दिया 4, 18 threes are 54, तो डिविजिबल हो गई। तो 18 से तो हो गई, लेकिन क्या दूसरे नंबर से होती है, तो 1000 और 350 यानी 1854 ये हमारी नंबर है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 20 से, अब 20 से भी ये डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं है। अब अगर हम इसमें से 60 कम कर ले, तो 1500 में अगर हम 300 ऐड करें, सो यू गेट 1800, और 1800 तो 18 से डिविजिबल है ही, क्या 20 से है, बिल्कुल 20 से है, और 24 से भी ये डिविजिबल है। देयरफॉर वी कैन से दैट और लास्ट आंसर इज व्हिच नंबर, सो दैट रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज required smallest number is 300. So this is our answer. Got it? So how was our today's video? अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल गर्ल्स डांस फाउंडेशन ब्रेन जिम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको पता चले कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कब आया है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।